की तैयारियां उस बीच कांग्रेस के जो विधायक अकेले लोन विधायक थे वो तृणमूल, देखिए हमारा हमारा एकदम राष्ट्रीय जोट के लिए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लीडर ममता बनर्जी, हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी क्लियर कर दिया है भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट के लिए तैयार है टीएमसी। तो ऑल इंडिया टीएमसी क्लियरली कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस के सपोर्ट, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन स्टेट का कांग्रेस कह रहा है वहाँ पर जोट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी को दलाली कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ये साबित कर चुका है, तृणमूल कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जो भाजपा को हरा सकते हैं। 2021 असेंबली इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब दिल्ली पैसेंजर ही कर रहे थे, हम लोग उनको हरा दिया था। तो उन रोल क्या था कांग्रेस का यहाँ का, वो सीपीएम के साथ एक अलायंस किया था और वो वोट डिवीजन करके भाजपा को एडवांटेज देने का पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ पे। तो उसका तो ये रोल है। नादिर जी कहते हैं आप तृणमूल को तोड़ने का काम वो करेंगे, वो क्या करेंगे, उस खुद का कोई पार्टी का ठीक नहीं है। उस पार्टी में एक जो सागरदीघ का जो विधायक बायरन विश्वास, वो तो हम लोग बार बार कह रहे हैं सागरदीघ हमारा खुद का, हमारा पार्टी का एक टेक्निकल फॉल्ट था क्योंकि वो कैंडिडेट ठीक नहीं था। और बायरन हमारा वेल विशर था, वो यहाँ से टिकट नहीं मिला वहाँ पर चला गया था। आज खुद बायरन ने बताया कि कितने ह्यूज वर्कर्स टीएमसी का, उनके लिए काम किया है, उनको वोट दिया है, वो तो बोल रहा है ये कांग्रेस के ज़्यादा तृणमूल हमको सपोर्ट किया है। हो सकता है सिंबल कांग्रेस का था, लेकिन हम तो तृणमूल फैमिली का है तो हम फॉर्मली तृणमूल में लौट चुका है। तो ये तो अधीर चौधरी उसका ये एक एक विधायक का कॉन्फिडेंस जीतने का उसका औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वो चले बात करने बंगाल का।